जनपद कासगंज के थाना सहाबर व एसओजी पुलिस टीम को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पुलिस ने मुखबिर की खास सूचना पर चार अलग अलग जगह से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 23 चोरी की मोटरसाइकिल एवं 2 315 बोर तमंचा, 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। 3 अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। देखिए, माह प्रारंभ में जो हमने एक ATTF एक फोर्स भी बनाया था, एंटी थेफ्ट टास्क फोर्स, और वो हमारे जो थाना सहावर, SOG और ATTF तीनों के मतलब प्रभावी कार्रवाई से एक बहुत अच्छी सफलता हमें मिली है। थाना सहावर क्षेत्र में हमने करीब 4 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। इनका नाम है बबलू पुत्र रामपाल, गंजुंडवारा का है, अक्रम पुत्र मुश्ताक अमापुर, राहुल पुत्र बाबूराम गंजुंडवारा, दिलीप पुत्र लक्ष्मी सुनगढ़ी। ये चारों को पकड़े तो कड़ी पूछताछ पे इन्होंने कहा कि इनके गिरोह में 3 और लोग भी हैं जो अभी फिलहाल फरार है, इनको भी हम पकड़ेंगे। नंदे पुत्र राजेंद्र सिंह अमापुर के हैं, बुल्लन पुत्र देवेंद्र निवासी ये भी अमापुर, दुष्यंत उर्फ सोनू ये भी यही कासगंज के हैं। इनसे हमने करीब 23 मोटरसाइकिल बरामद की है। ये मेनली शातिर वाहन चोर है। 23 मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचा 315 बोर के और 7 जिंदा कारतूस बरामद की है। और ये इनके ऊपर काफ़ी बहुत पहले से भी मुकदमे हैं, वो सब आपराधिक इतिहास भी आपको हम विदित करा रहे हैं। इनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और जो भी वैधानिक कार्रवाई वो सब हम लोग करें। सर, ये बाइक चोरी क्यों किया करते थे, किस? देखिए, पूछताछ वो तो पूछताछ की विषय है, लेकिन जब पूछताछ कर रहे थे तो यही कह रहे थे, एक आध लोग ये कह रहे थे कि उनके कुछ निजी समस्या है, उसके लिए कर रहे थे, कुछ अपने ऐश और अपने मतलब अपने खर्चों के लिए ये सब कर रहे थे। सर, इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इनकी गिरफ्तारी जो है ये गंजुंडवारा रोड पर, मतलब सहावर से गंजुंडवारा रोड पर एक जगह पे 2 लोग, पहले तो बबलू पुत्र रामपाल और अक्रम पुत्र मुश्ताक पकड़े गए। उनसे जब कड़ी पूछताछ की गई तो 2 और साथी के बारे में बताया, राहुल पुत्र बाबूराम और दिलीप पुत्र लक्ष्मी, ये चारों लोग को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। और बाकी 3 इनके गिरोह के सदस्य, उनको भी हम त्वरित गति में पकड़ेंगे और इनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई होगी। देखते रहिए TV भारती समाचार, नजर हर खबर पर।